अपना माल पानी खाली करना आ जाइए और ऐसे वीडियो नहीं बनाते। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। तो guys, आज है first day winter का, because आज नहाने का मन नहीं किया और जब मुँह धोया ना तो भाई इतना ठंडा ठंडा पानी था, ऊपर से यहाँ पंखे एसी सब बंद हो चुके हैं, मतलब बिना पंखे एसी के इतना ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तो हाँ, जब से ये फील हो जाए ना कि ठंडा पानी लग रहा है, नहाने का मन नहीं कर रहा और पंखे वंखे सब बंद हो जाए, समझ लो पहला दिन है विंटर का। तो आज है हमारा पहला दिन विंटर का। तो हाँ, आज से नो एसी, नो पंखे, कुछ नहीं चलेंगे और ठंडा ठंडा गर्म पानी से मुँह धोएंगे, गर्म पानी से नहाएंगे मस्त अपना। लेकिन आज मैंने नहाया नहीं है। कुनाली, आपने नहाया आज? नहीं, आज किसी ने नहीं नहाया भाई। नहाया? झूठ बोल रहा है। नहाया? तेरी शक्ल से ही लग रहा नहीं नहाया। अरे ऐसी शक्ल अपनी। तो चलो फिलहाल चलते गर्मा गर्म आलू के परांठे खाने, मम्मी ने बनाए मस्त। कुनाली, आपने खा लिए? हाँ मैंने खा लिए, मस्त हो रहे थे। चलो मेरा ब्रेकफास्ट तो आ गया है, दही और आलू का परांठा। थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, थोड़ी देर पढ़ाई फिर चलेंगे। थोड़ी देर पढ़ाई कर लो फिर चलेंगे, पक्का घूमने चलेंगे। क्या हुआ गाइस, यहाँ पे लड़ाई चल रही है इनकी। गाइस इस रूम से ना इतनी खतरनाक आवाज आ रही है, पिटाई विटाई की। पता नहीं कौन पिट रहा है, तो पीयूष पिट रहा है या कुनाली पिट रहा है। कुनाली क्या कर रहा है? ये देखो लिपस्टिक खा रहा है भाई। राइटिंग देखो इसकी कितनी मस्त राइटिंग है, रफ कॉपी है भाई। क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, क्या चल रहा है? एक रो रहा है, एक हंस रहा है। क्यों रुला रहे उसको? दोनों साथ में पढ़े, चाचा जी उनको पढ़ा रहे हैं ना, तो चाचा जी कुनाली को कुछ ही बोलते हैं, जैसे कुछ ही बोलते हैं डांट के फिर कुछ भी, तो ये चिढ़ाता है उसको कि तेरे को डांट दिया, तेरे को यही बोल दिया, तेरे को यही बोल दिया। फिर वो रोता है कि मेरे को चिढ़ा रहा है, चिढ़ाने के लिए रोता है वो, ऐसे डांटने के लिए नहीं रोता, उसको समझाते तो मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं तो नहीं रोता, जब चिढ़ाता है ना तब रहता है कि मुझे चिढ़ा क्यों रहे हो। गाइस कुछ ऐसा करना है कि अपने आप से पढ़े दोनों के दोनों, अभी तो डर के पढ़ रहे हैं चाचा जी से, लेकिन खुद से पढ़ने चाहिए ना। रहने दो, अभी तेरे को नहीं बोल, अभी इसको नहीं बोलते तो वहाँ पे आईपैड पे या फिर गेमिंग पे लगा होता है इसको, चाचा जी बोल रहे हैं पढ़ाई के लिए इसलिए पढ़ता है। तो गाइस फाइनली हमारा बॉक्स आ चुका है, क्या इसमें भारी है बहुत। तो गाइस फाइनली हमारी पोर्टेबल टॉयलेट सीट आ चुकी है, जो कि हम जंगल में यूज करेंगे, तो इसको देखते हैं किस तरह की है इसकी, मतलब केमिकल टॉयलेट है। तो हाँ चलो अनबॉक्स करते हैं इस बॉक्स को पहले। तो गाइस देखो ऐसी होने वाली है, तो चलो अनबॉक्स करते हैं और फिर यूज करेंगे इसको। ये खींचना था नीचे वाला। ये देखो, ये देखो, पेश है आपके सामने 3, 2, 1। ये क्या होगा, फंस जाएगा ना, तो फंस जाएगा। अरे वो केमिकल वाला होगा, उसमें पता नहीं चलेगा, केमिकल पता नहीं चलेगा। कौन करना चाहेगा ट्राई, कौन करना चाहेगा? हाँ कुनाली, आप तो पूरे घुस जा रहे हो उसके अंदर। फिलहाल पानी डाल दिया इसमें बस। तो गाइस पानी डाल दिया इसमें, तो इस वाले एरिया में पानी भरता है, इसमें दो एरिया है बेसिकली, इस वाले एरिया में पानी भरता है और नीचे फ्लश होता है, ठीक है। तो फ्लश करने के लिए यहाँ पे अब फ्लश करके देखते हैं। ऐसा हवा भर जाती है इसमें, माल पानी सब गया। मम्मी हंसे जा रही है, हंस क्यों रहे हो? तो गाइस देखो ये है केमिकल, ये डालना है इसमें बस, मतलब जब भर जाएगा ना तब डाल दो इसको, तो पूरा राख हो जाएगा अंदर। तो गाइस जब ये पूरा भर जाएगा ना, तो इसके अंदर बस एक पैकेट डाल दो तो पूरा मतलब राख बन जाएगा, उसके बाद फिर इसको फेंक दो बस। इसमें लिखा हुआ है कि पूरा बायोडिग्रेडेबल है। तो ये खुल गया हमारा वॉशरूम, चलो अब इसको इसके अंदर रखते हैं। जिसको भी अपने माल पानी खाली करना आ जाइए और ऐसे वीडियो नहीं बनाते हैं। बाय बाय। तो फाइनली हमारा टॉयलेट वाला सेटअप कंप्लीट हो चुका है, सीट भी और ये पूरा वॉशरूम भी। तो अब अगर हमको कैंपिंग करने जाना हो तो हम इस तरह से जा सकते हैं, मतलब ये लेके और ये लेके, काफ़ी पोर्टेबल है, मतलब थार में या फिर फॉर्चून में पड़ा रहेगा, सही है ना अपना, जब भी कैंपिंग के लिए जाएंगे तो इसको ले जाएंगे। और गाइस हमारी चाय भी आ चुकी है, तो इस बॉक्स में हमारी चाय है, चाय भी ऑनलाइन मंगानी पड़ रही है, इसको भी कैंपिंग में यूज़ करेंगे, मस्त चाय होती है, आप बना के दिखना है चाय। और एक और डब्बा आया गाइस, इसके अंदर भी कुछ है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये बहुत काम की चीज़ है, जैसे थार की हवा निकले देते हैं टायर की, तो इससे भर लेंगे।
ये लग जाएगा टायर में, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सीधा हवा भर जाएगी टायर की। तो गाइस बाहर तो हो रही है बहुत तेज वाली बारिश, चले कहीं, चले बारिश में, मन तो कर रहा है, चले बारिश में मस्त गर्म गर्म पकौड़े समोसे। मम्मी को मना लो भाई, मौसम देख कितना मस्त हो रखा भाई, इतना मस्त ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। फिर चलते गाड़ी लेके चलते हैं, चलो। लोग बारिश में घर पे रहते हैं, बाहर जा रहे हैं, जिस जिसको आना है आ जाओ भाई, भीग गया मैं। मजा आ रहा है ना, पानी आ जाएगा अंदर, पानी आ जाएगा, आ गया पानी, आ गया भाई, पूरा भीग भाई, गाड़ी खराब हो जाएगी पूरी, भीग गई अंदर से, देखो ना गाइस। ये ले साफ कर, साफ कर जल्दी। तो पापा जी और चाचा जी को हमने अपनी टीम में शामिल कर लिया है, तो चलो हम चलते हैं, चलते हैं। तो भी गाइस हम निकल पड़े हैं बारिश में ही। तो भी गाइस सबसे पहले हम जा रहे हैं बोई भैया के पास में, आज उनसे मिलते हैं, काफी टाइम हो गया उनसे मिले भी नहीं, तो उन्हीं को पिक करते हैं फिर चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो भी गाइस आ गए बोई भैया घर पे, तो ये बोई भैया घर है, तो यहीं से हम जाएंगे अब कहीं पे, तो गाड़ी बैक कर रहे हैं फिलहाल। तो ये है बोई भैया घर, काफी लोग बोलते हैं ना बोई भैया घर, क्या है बोई भैया घर, भाई मुझसे तो निकलती नहीं यहाँ से गाड़ी, लेकिन बोई भैया को तो आता है ना, बिकॉज जिनके पास ही फॉर्चुनर है, तो ये निकाल लेते हैं, इसको बंद करते हैं, अब चलते हैं। हमारे टॉयलेट आ गया, वो टॉयलेट हमने अनबॉक्सिंग कर लिया। अरे वाह गुड यार, वो केमिकल टॉयलेट है ना। हाँ केमिकल वाला है। गाइस सामने नदी में देखो कितना पानी आ रहा है भाई, कितना खतरनाक बारिश की वजह से पूरी बाढ़ आई हुई है नदी में। तो भी गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, सामने लैंडस्लाइड हो रखा है, ये देखो भाई बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए यहाँ, तो ये वाला पत्थर हटाना पड़ेगा। ओहो ओ भाई ये वाला पेड़ टूट सकता है कभी भी। चलो भाई यहाँ से चलो, वापिस चलो, वापिस चलो भाई, वापिस चलो, वापिस भाई, रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज ये कभी भी नीचे आ सकते हैं, हम फंस जाएंगे फिर नीचे ही नहीं आ पाएंगे, इसलिए वापिस जा रहे हैं हम। तो अब ले रहे हैं यू टर्न, एक तो इतनी बड़ी गाड़ी है ना, यू टर्न लेने में दिक्कत होती है पहाड़ पे। देखो ऐसे में थार का मजा है, थार छोटी है ना यू टर्न हो जाता है, लेकिन फॉर्चुनर का नहीं हो पाता पहाड़ों पे ना। ये देखो, ये देखो बहुत मुश्किल से यू टर्न करनी पड़ती है फॉर्चुनर, क्योंकि लंबी है ना काफी। कोई नहीं, एक हफ्ते में थार मिल जाएगी हमको मस्त मॉडिफाइड होके, फिर थार ही घुमाएंगे। चलो भाई तो यही जा रहे हैं वापिस। गाइस ये देखो कितनी सुंदर जगह है, खेत भी है, घर भी है, पहाड़ भी है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना डेंजरस लग रहा है, देखो कितनी स्पीड में गंदा पानी आ रहा है। गाइस ये वही नदी है जिसमें हम जाते हैं, जहाँ पे हम ऑफ रोडिंग करते हैं, ये वो नदी है। देखो अब देखो क्या हाल है, अब इसमें थार डाली ना, थार बह जाएगी भाई, हम सब बह जाएगा इसमें, थार मिलेगी भी नहीं बारिश में, इसीलिए अवॉइड करना चाहिए भाई। तो गाइस रुके अभी यहाँ पर भुट्टे खाने के लिए। तो भी गाइस हमारा भुट्टा आ गया, भुट्टा खाते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से, फिर आएंगे पकौड़े खाने चलेंगे फिर। मुंह पानी आ रहा है, सॉरी गाइस। पहाड़ का ये फायदा है, चलते चलते कहीं भी भुट्टे मिले, कहीं पकौड़े, कहीं पे क्या, मतलब पहाड़ पे कुछ ना कुछ मिलते रहता है खाने के लिए, तो हम रुक रुक के खाते रहते हैं। चलो भाई पहुंच गए दूसरी जगह पे, यहाँ पे चलते हैं अब। गाइस यहाँ से व्यू देखो कितना मस्त हो रखा है भाई, और मौसम खुल चुका है, देखो बादल गायब, रेनबो भी आ गया, देखो अब चलते हैं सीधा घर, और अंधेरा भी हो गया। सौदा मैं बड़ पा को फोन नहीं करने वाला था, मैंने बोला कहां हो, सीधा आगे बार हो। ओलू सौदा आगे हैं। हम गए पहाड़ पे, पत्थर गिरे हुए पूरे, फिर हम वापस आए, फिर वहां से बैठे गप्पे लड़ाई और आगे। आप चलते नहीं हो कभी हमारे साथ? मैं क्यों चलूंगी? आप तो चलते नहीं हो कभी? नहीं चलती। क्यों नहीं चलते? नहीं चलती। चला करो ना। क्यों चलूं मैं बारिश में, तुम जाओ। तो गाइस फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूं, आई होप आपको पसंद आया होगा। कहीं दूर जाने का प्लान नहीं बन रहा, बिकॉज बारिश हो रही है ना बहुत ज्यादा, तो पहाड़ों में रिस्क है, इसलिए मैं कहीं दूर नहीं आ रहा है। देखो पास ही नहीं जा पा रहे हम, दूर तो दूर की बात, दूर में कहीं फंस सकते हैं ना, तो इसलिए एक बार बारिश का मौसम ठीक हो जाए फिर हम निकलेंगे कहीं दूर के लिए। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूं, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो भी गाइस बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, इसलिए हमने एक जैकेट डाले, दोनों ने एक ही जैकेट, देखो अब सही लग रहा है गरम गरम, अब नहीं लग रही सच्ची में लग रही।